हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको काफ़ी ज़रूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। जिन बंदों को जैसे कॉलेजेस वगैरह, आईपी यूनिवर्सिटी वगैरह, डीयू के फॉर्म वगैरह निकल रहे हैं, उनको आपको अपलोड पिक्चर या साइन वगैरह या फिर कहीं भी कोई भी जगह पे साइन या फ़ोटो अपलोड करनी है और आपको केबी की काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है और एंड तक जरूर देख के जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है कैम स्कैनर। ये ऐप स्टोर प्ले स्टोर पर बहुत आसानी से मौजूद है, मतलब मिल जाएगा कैम स्कैनर। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है। जैसे कि अगर तो आपको फ़ोटो अपलोड करनी है तो बीच में कैमरे का साइन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके आप फोटो अपलोड कर सकते हैं, और साइड में गैलरी में है तो गैलरी में भी कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो जो है वो पासपोर्ट साइज़ ही होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेव कर रखी है, तो न्यू डॉक्यूमेंट में जाके आप यहाँ पर जाके इसको री एडिट का ऑप्शन दबा के आप फ़ोटो को मतलब ये एक साइज़ में ला ले आना, वरना ये अपने आप ये भी अपने आप कर लेगा। बस आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप देख सकते हो ये एक पासपोर्ट साइज एकदम क्लियर फ़ोटो हो गई है। फिर इसको सेव कर देना। ये मैंने नेट से डाली है ये फ़ोटो। और उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली मोर पे क्लिक कर देना। मोर पे जाकर टू एल्बम में कर देना और ये वीडियो, ये जो फ़ोटो है ये आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाएगी। बस सिंपली बस आपका कैम स्कैनर का काम इतना ही है, बस ख़त्म। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है द रीसाइज़र। ऐप का नाम है द रीसाइज़र। द रीसाइज़र ऐप को मैं आ जाके आपको सेलेक्ट फ़ोटो पे क्लिक कर देना है जिसके अंदर ये फ़ोटो ऑलरेडी आपके उसके अंदर आ चुकी होगी गैलरी के अंदर। आप इसके अंदर 164:210 वाला ही करिएगा, ये बेस्ट रहता है, कम से कम के बी आपकी कर देगा। पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 KB की मेरी यहाँ पर ये फ़ोटो हो गई है, KB दिखा रहा है, और आपको 100 KB से नीचे नीचे दिखाना होता है। और इसी तरह आप नीचे भी देख सकते हैं, कोई भी साइन वगैरह भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ऊपर एरो का साइन दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और आपको सिंपली जैसे भी आपको कंफर्टेबल, वैसे तो अगर आपको IP वगैरह के फॉर्म वगैरह भरने हैं तो उसके लिए जीमेल बेस्ट रहेगा। आप जीमेल आईडी को अपना कर दीजिएगा, और जीमेल आईडी करने के बाद बस सिंपली